तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रैक्चर के बाद क्या खाना चाहिए जिससे हड्डी जल्दी जुड़ सके, कौन सा डाइट जो होता है हड्डी को जल्दी हील करता है फ्रैक्चर के बाद में। तो ऐसी डाइट के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगी और काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है बोन हीलिंग की प्रोसेस को जो रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ऐसे कुछ फूड जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी तो आपने सुना ही होगा, उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बोन की जो है बोन को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प और बहुत ज़्यादा जो है हमको जल्दी जो इम्प्रूव करता है। इसमें कई सारे इसके उत्पाद हो सकते हैं या फिर नेचुरल डाइट हो सकती है, जैसे कि हमारे लिए स्ट्रॉबेरी, कीवी, संतरा, नींबू, या फिर जो हमारे लिए टमाटर हो गया, ऐसे ही पपीता हो गया, ये हमारे लिए जो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि बोन को जो है हील करने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। हमारी बोन कैल्शियम से बनी होती हैं और मजबूत होती हैं, तो कैल्शियम भरी मतलब कैल्शियम से जो है भरपूर मात्रा में अगर डाइट मिलता है, अगर कोई ऐसे पोषक तत्वों में जैसे कि हमारे लिए दूध हो गया और हमारे लिए पनीर हो गया और ऐसे बहुत सारे नेचुरल डाइट हैं, जैसे कि हमारे लिए दूध के अलावा पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इन चीज़ों में हमें जो अच्छी मात्रा में मतलब जो नेचुरल कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड, जो हमारे लिए इसके अलावा हेल्प करता है वो है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारी बोन अच्छी हील हो, तो उसमें डाइट में शामिल होती है जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल कम करें आप, क्योंकि ये जो है हमारी बोन की हीलिंग को जो स्लो कर देता है। अच्छी खासी बोन जुड़ रही हो तो जुड़ने की नॉर्मल जुड़ने की तुलना में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा जो है कम करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बढ़ाती हैं, जैसे कि हमारी जो है बोन हीलिंग को थोड़ा स्लो करती हैं, और भी कई सारी चीज़ें, उनका सेवन कम करें। जैसे कि कुछ लोग बाहर का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे तेल से तले हुए पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, और जो है जंक फूड हो गए, चाउमीन, मोमो, बर्गर, राइस, ये सब हो गया बाहर का, तो इस सबको अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत कम ही मात्रा में खाना चाहिए, अगर वैसे भी ज़्यादातर इसको नहीं खाएं तभी बढ़िया रहे, क्योंकि वैसे भी इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और हमको इन चीज़ों से ऐसे ही बचना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी समय तक फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, तो हम रेस्ट पर रहते हैं तो हमारे जो है फैट बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो फैट वाली चीज़ हमको कम से कम खानी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमारी कैल्शियम वाली चीज़ें हो गई, मैंने विटामिन सी वाली चीज़ें बताई, ऐसे हमको बहुत सारी अन्य नेचुरल लाइट होती है, जैसे कि हमारी जंक मतलब वो मैग्नीशियम और जो आयरन और कैल्शियम और पोटेशियम, ये सारी चीज़ जो हमको अच्छी खासी मात्रा में सल्फ़र वगैरह हमको मिलता है जो नेचुरल डाइट में बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, वो होता है हरे पत्तेदार सब्जियों में, जैसे गोभी हो गया, पत्ता पालक हो गया, मेथी हो गया, और इधर जो और भी सारी कई चीज़ें हो गई, जैसे कि हमारे लिए हरी सब्जियाँ हो गई, काली तुरई हो गई, ये बहुत सारी सब्जी ऐसी होती हैं जो हम नेचुरल खाते हैं, तो सब्जियों को हमें लगातार ही खाना चाहिए, कोई सी भी सब्जी हुई, सब्जियां हमारे लिए वैसे भी बहुत लाभकारी सिद्ध होती हैं। और हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि रेड मीट, इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। और मैंने वैसे कई सारे वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाए हैं, अगर उनको डिटेल में देखना चाहते तो वो आई बटन पर आकर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे कि फ्रैक्चर में क्या खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, फ्रैक्चर से जुड़ा कोई भी सवाल हो A to Z, तो वो आप आई बटन पर जाके देखिएगा, आपके सारे सवाल के आंसर मिल जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी मैंने कम से कम 150 से 200 वीडियो बना रखे हैं, आप जाके आई बटन पे जरूर देखिएगा, फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कब हमको चलना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, किसी भी चीज़ पर फॉलो करना चाहते हो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए